करने का प्रयास करते हैं कि उस मीट्स में है क्या क्या पूरी सारी जानकारी उसमें थी। जो मीट्स में साइन हुए थे सिंगरौली की जनता को देखते हुए, उसमें क्या क्या था, मेन प्रमुख क्या क्या था? कि हम लोगों की एनसीएल मैनेजमेंट से कुछ बिंदुओं पर मांगे की गई थी और एनसीएल ने पूरी तौर पर सहयोग करते हुए सिंगरौली की प्रस्तावित विस्थापितों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सहमति प्रदान की सिंगरौली विस्थापन मंच और एनसीएल प्रशासन के द्वारा, उसके प्रमुख बिंदुओं में तो ये था कि विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के मुखिया को 60x40 का प्लाट एवं 15 लाख रुपए और घर के सभी बालिक सदस्यों को 15-15 लाख रुपए अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। दूसरा, खास बात ये कि जो एलिजिबल नौकरी के पात्र हैं उनको रोजगार अथवा नहीं लेने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त अथवा 2,000 रुपए पर मंथ 20 सालों तक या प्रोजेक्ट की लाइफ तक। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें यह था कि 50 लाख तक के काम प्रारंभिक 5 वर्षों में विस्थापितों को बिना किसी क्रेडेंशियल, बिना किसी एक्सपीरियंस के दिया जाएगा। तो इस तरीके की 3-4 बिंदु जो हैं जो विस्थापितों के हितों में हो सकते थे, और कुछ अन्य बिंदु भी लंबित हैं अभी, जैसे अच्छा मुआवजा, अच्छा पैकेज, एनिटी स्कीम की सारी सुविधाएं, R&R की सारी सुविधाएं, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और प्रशासन की मंशा है कि जहां भी विस्थापन किया जाएगा उसमें सर्व सुविधा युक्त, 100 घर के हिंदू हैं तो उनको मंदिर, मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसको मस्जिद, सिख है तो गुरुद्वारा, 40 फिट की सुंदर रोड, 10 फिट की सर्विस रोड, बाकी 20 फिट की आने जाने के लिए, और हाई मस्ट लाइट, पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था के साथ साथ एक सुंदर विस्थापन देने का प्रयास किया जा रहा है एनसीएल के द्वारा। इसके अलावा हम लोगों की एक प्रमुख मांग थी कि जो जिनका भूमिहीन है, अफेक्टेड फैमिली, माने विस्थापित की श्रेणी में तो नहीं आएंगे लेकिन अफेक्टेड हैं विस्थापन से, रेहड़ी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, ये हाथ ठेले वाले, घरों में काम करने वाले दाई भाई नौकर कर्मचारी, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी, फेरी वाले, हाथ ठेले वाले, छोटे छोटे मझोले व्यापारी, छोटे व्यापारी, चाय वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, इन सबको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। उस पर भी एनसीएल जो है मैनेजमेंट सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है, आश्वासन दिया है कि जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो अब एक आखिरी उम्मीद एनसीएल से ये भी की जा सकती है कि जिस तरीके से समय सीमा अथवा समय के पूर्व सेक्शन 9 लगा दिया, इसी तरीके से जो टारगेट मिला हुआ है 18 महीने से 2 साल का, उसके बीच में एक स्मूथली यहाँ के लोगों का विस्थापन हो जाए, उनको उनके लाभ मिल जाएं, ये हम लोगों की मांग है और इस पर वो सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि